न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में इमामुल हक को टीम से ड्रॉप क्यों किया? इमामुल हक ने हैरान कुन ट्वीट दाग दी, सब्र करें अल्लाह देख रहा है। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक की जूम आनी ट्वीट ने क्रिकेट के हलकों में नई बहस छेड़ दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में 90 रन की इनिंग्स खेलने वाले इमामुल हक ने सीरीज के आखिरी मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनाने पर ट्वीट दाग दी। मैच से कबल टीम में शामिल न किए जाने की इतला मिलने पर दिल बर्दाश्त था। इमामुल हक ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिंदगी एक गैर मुतवक्का सफर है, इसलिए किसी से कुछ उम्मीद न रखें, सब्र करो अल्लाह देख रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मौके मिलने के बावजूद शान मसूद खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। उन्हें सीरीज के चौथे वनडे मैच में मौका दिया गया था, जहां उन्होंने 44 रन की इनिंग्स खेली थी। इससे कबल इमामुल हक ने कीवीज के खिलाफ सीरीज के इब्तदाई तीन मैचों में 174 रन स्कोर किए थे, जिसमें दो निस सेंचुरियां भी शामिल थी। पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक की जूम आनी ट्वीट ने क्रिकेट के हलकों में नई बहस शुरू कर दी। वाजे रहे कि बल्लेबाज इमामुल हक को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच में नहीं खिलाया गया था, जिसके बाद अब इमामुल हक ने पांचवें मैच से कबल ये पैगाम दिया है। इससे कबल इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथी खिलाड़ियों के बारे में बात की थी और मजीद तजुर्बात न करने का कहा था। क्रिकेट हलकों के मुताबिक इमामुल हक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की वजह से नहीं खिलाया जा रहा।